1, 2, 3, come on! Come on, come on! Hello friends, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ हमेशा ही तरह अच्छे होंगे। दोस्तों प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, उम्मीद करता हूँ। बहुत ही कमाल की ट्रिक दी थी दोस्तों, उसमें 90% लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि आपका थंबनेल सेट नहीं हो पा रहा था। तो वो मैंने ट्रिक बताई आपको कि क्या बेसिकली प्रॉब्लम होती है और कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं। दोस्तों ये तो आप देख ही रहे होंगे, जो चीज मैं खुद यूज करता हूँ, जो अपने ऊपर यूज करता हूँ, वही ट्रिक आपको मैं देता हूँ दोस्तों वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप वो ट्रिक्स को फॉलो कर रहे होंगे जितनी मैंने ट्रिक्स आप लोगों को दे दी है अभी तक। ठीक है, आपको कहीं कोई डाउट आ रहा हो, वैसे मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आते हैं दोस्तों फेसबुक पे, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बोलते हैं मेरे से, ठीक है, और डायरेक्टली कमेंट में भी बोल देते हैं, तो मैं हर जगह वो सॉल्यूशन दे रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने, मैं आपसे यही चीज बोलूंगा कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो दोस्तों एक किसी यूट्यूबर की ट्रिक्स को फॉलो करके चलना। आप ये नहीं कि कभी कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आप पर्टिकुलर मेरे को फॉलो कीजिए, आपको वही सारी चीजें मिलेंगी जो मुझे मिलती जा रही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे और ऐसे ही प्यार देते रहे दोस्तों हमेशा। दोस्तों आपको आज का जो ब्लॉग लेके आया हूँ, आज का जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्रिक है, वो भी एक मतलब कहिए कि लाइक न्यू यूट्यूबर, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जो मैं आज बताने वाला हूँ। लेकिन आज का जो ब्लॉग है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों, उससे ही आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि आज का ब्लॉग क्या है। दोस्तों मेरे पास, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास प्रॉब्लम्स आती है तब मैं वीडियो बनाता हूं, तो ऐसे ही आज का जो ब्लॉग है वो भी ऐसे ही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी फ्रेंड्सों को कि सर मेरी वीडियो पे व्यूज नहीं आते हैं, लाइक नहीं आते हैं, तो ऐसा कुछ सॉल्यूशन दीजिए जिससे व्यूज बढ़े और लाइक बढ़े। तो दोस्तों देखिए, ये तो क्या होता है कि कंटेंट के ऊपर, देखो मैं बात करूँ आपसे, मैं क्लियरली बात करता हूँ कि देखो आपका अगर कंटेंट में दम है तो व्यूज आएंगे। ठीक है, लेकिन वो व्यूज आएंगे कैसे, ये चीज सबसे बड़ी बात है कि वो व्यूज आएंगे कैसे आपकी वीडियो पे, वो आपकी वीडियो पे आएंगे ही क्यों, मतलब आपकी वीडियो डायरेक्टली देखेंगे कैसे। तो उसके लिए दोस्तों आपको मैंने बता दिया है, प्रीवियस वीडियो उठा लेना मेरी, उसमें मैंने आपको बताया था कि टैग यूज करना है। अब टैग यूज करना है, टैग मैंने बोला था कि किसी बड़े यूट्यूबर है ना, किसी बड़े यूट्यूबर की बात कर लो कि वो अपनी वीडियो पे क्या टैग यूज कर रहे हैं, उनका चोरी करना है आपको, टैग निकालना है या उसको चेक करना है कि वो टैग क्या कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है, यूज, तो आप वो टैग चेक कर सकते हैं। एक ऐप बताया मैंने वो वीडियो में, आप जाके चेक कर लेना, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में वो दे दूंगा लिंक, या आई बटन पे भी लिंक दे दूंगा दोस्तों उस वीडियो की। तो वो सबसे पहले फर्स्टली देख लेना कि कैसे आपको टैग लगाना है। ठीक है, तो पहले तो आपको टैग सबसे अच्छा यूज करना है कि आपका वीडियो जो है वो सजेस्ट लिस्ट में आ जाए। सजेस्ट लिस्ट दोस्तों होता क्या है कि जैसे आज मेरी कोई वीडियो है, ठीक है, मैंने अभी अपलोड की, जैसे प्रीवियस वीडियो की बात कीजिए, आप उसको सर्च में करेंगे थंबनेल बटन सेव बटन इशू, तो आपका मेरा वीडियो आ जाएगा। ठीक है, और भी मेरी वीडियोस हैं, ब्रदर्स डे की थी, ठीक है, और भी ब्लॉग के ऊपर थी, मतलब किसी यूजर को ब्लॉग कैसे करें, तो वो भी वीडियो मेरी सजेस्टेड में आपके लिए आएगी दोस्तों, अगर आप उसे सर्च करेंगे तो। ठीक है, तो ये तो होगी टैग लगाने की, तो ये बेसिकली आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन अब दोस्तों एक चीज और मैं बताऊंगा, वो प्रैक्टिकली बताऊंगा दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाके बाइट स्टूडियो में अपन जाके बताऊंगा मैं आपको कि वो चीज क्या यूज करना है उसके अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझ लीजिए कंटेंट पर ध्यान रखिए, ठीक है, उसके बाद वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, और फिर टैग। टैग बहुत ही ज्यादा यूजफुल, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है टैग कि अगर आप टैग नहीं लगाएंगे तो आपकी वीडियो सजेस्ट लिस्ट में नहीं आएगी, तो व्यूअर्स और लाइक और सब्सक्राइब आपके बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अब मैं वो मेन पॉइंट बताने जा रहा हूं दोस्तों जो आपको काम करना है, मेनली जो काम करना है। टैग तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन अब मैं बताने वाला हूं मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाके कि वो चीज क्या है जो आपको ट्रिक की तरफ फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए मोबाइल की स्क्रीन पर फ्रेंड्स। तो दोस्तों अपन आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर। जैसे कि मैंने बताया था मतलब अपन को टैग्स तो यूज करना ही करना है दोस्तों, ठीक है, और टैग्स वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो मेरी, तो वो जाके चेक कर लेना मेरी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा आपको आई बटन पे, क्योंकि दोस्तों वो टैग्स वाली जो वीडियो है वो कुछ खास है, आप उसको जाके चेकआउट कीजिए कि उसमें क्या मैंने बताया, क्या ट्रिक दी है। ठीक है,
तो अभी मैं कुछ और स्पेशल बताने जा रहा हूँ, तो उसको आप फॉलो कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तो अपन चलते हैं बाईटी स्टूडियो में, ठीक है। बाईटी स्टूडियो में आने के बाद दोस्तों क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको अपने इसमें चले जाना है, किसमें, व्यू मोड में, ठीक है। व्यू मोड में जाने के बाद एनालिटिक वाला पार्ट है, उसमें फिर आपको क्या करना है, डिस्कवरी वाले में जाना है। मतलब यहाँ पर क्या है, ओवरव्यू, फिर उसके बाद रिव्यू, फिर उसके बाद डिस्कवरी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, कि आपको यहाँ पर एक दिखेगा यूट्यूब टॉप यूट्यूब सर्च टर्म, ठीक है, टॉप यूट्यूब सर्च टर्म, ठीक है। ये होता क्या है दोस्तों, ये दोस्तों वो टर्म है जो मतलब एक तरह से बोला जाए कि अदर यूजर आपकी वीडियो को चेकआउट करता है। मतलब जैसे आपने कोई वीडियो डाली और मैंने उसको सर्च किया, तो वो जो सर्च है, अगर वो 10 बंदे अगर एक ही नाम से सर्च कर रहे हैं आपकी, तो वो हाईलाइट करने लगेगा यहाँ पर टॉप यूट्यूब सर्च टर्म के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो अब ये बन जाते हैं कीवर्ड, ये कीवर्ड बन जाते हैं, मतलब मैं भी वही चीज सर्च कर रहा हूँ, आप भी वही चीज सर्च कर रहे हैं, तो हर कोई बंदा वही चीज सर्च कर रहा है, तो ये टॉप यूट्यूब सर्च टर्म के अंदर आ जाता है और ये बन जाते हैं कीवर्ड। अब ये कीवर्ड आप अगर हर वीडियो में यूज करेंगे एज अ टैग, तो आपकी वीडियो मतलब कोई वीडियो देख रहा होगा बंदा आपकी, कोई लेटेस्ट वीडियो, तो उसके नीचे ये वीडियो आपकी आने लगेगी जो जिसमें आपने ये टैग यूज किए हैं, ठीक है। अब ये टैग मैंने बता दिया कहाँ जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, बाईटी स्टूडियो ओपन होगा, बाईटी स्टूडियो ओपन होने के बाद व्यू मोड दिखता है, जहां पर अपना एनालिटिक वाला पार्ट रहता है, देन उसके बाद ओवरव्यू, थर्ड वाला पार्ट है डिस्कवर के बाद, देख मैं दिखा देता हूं आपको एक बार और, ये देखिए डिस्कवरी वाला, ओवरव्यू, रिव्यू और डिस्कवरी, डिस्कवरी पर क्लिक करना और यूट्यूब सर्च टर्म में आ जाना है, ठीक है। यूट्यूब सर्च टर्म में आने के बाद कुछ आपको इस टाइप का दिखेगा, 28 डेज का सिलेक्ट रहता है, तो ये मेरे की सर्च टर्म शो हो रहा है, कम्युनिटी टैब यूट्यूब है ना, कम्युनिटी टैब डिसेबल्ड, बर्थडे सेलिब्रेट आइडियाज, ठीक है, हाउ टू सेलिब्रेट बर्थडे, व्हाट टू डू ऑन बर्थडे, हाउ टू चेक लाइव सब्सक्राइबर काउंट, ये मेरी और वीडियोज के आ रहे हैं, ठीक है। अब 7 डेज की बात कर लीजिए, तो 7 डेज में सबसे अभी आया है दोस्तों, ये 25 से 31 मई के बीच की बात है, ये हाउ टू लाइव सब्सक्राइबर काउंट ऑन यूट्यूब, ये सर्च हुआ है मेरा, ठीक है। अब 90 डेज की बात कर लीजिए दोस्तों, तो 90 डेज में कुछ इस टाइप का देखिए आप कितना बड़ा जा रहा है, ठीक है। 16% मेरा सर्च हुआ है मेरे नाम से, इंजीनियरिंग हिमांशु सक्सेना, और लिखा है आर्टिकल फाइनल पार्ट, जब मैं इंग्लिश की क्लास लेता था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए ब्रदर्स डे सेलिब्रेट, बहुत मतलब कीवर्ड्स आपको जो जो कीवर्ड्स दिख रहे हैं वो आपको टैग्स के फॉर्म में यूज करना है दोस्तों, ठीक है। और खासकर आप 28 डेज वाले ही यूज कीजिए, 28 पर सिलेक्ट करके देख लीजिए क्या क्या कीवर्ड आपके लेटेस्ट में सर्च हुए हैं। दोस्तों देख लिया हो आपने कि मैंने क्या चीज समझाई आपको, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, वो टर्म जो यूट्यूब सर्च टर्म जो दिखा रहा था दोस्तों वो क्या है, जैसे आज मेरी प्रीवियस वीडियो की बात कर लीजिए, उसमें मैंने एक बताया था आपके लिए कि आपका जो थंबनेल है वो सेट नहीं हो रहा है, सेव बटन प्रॉब्लम कर रहा था। तो दोस्तों जैसे मैंने वो वीडियो बनाई और आपने वो सर्च किया किसी भी नाम से कि थंबनेल सेव बटन इशू, तो वो जो सर्च टर्म है, अगर आपकी 10 यूजर्स ने सेम थंबनेल मतलब सर्च किया है उसी नाम से, तो वो क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट होने के बाद वो आपको शो होने लगेगा वाईटी स्टूडियो में। अब वो जो कीवर्ड है, वो कीवर्ड ये है, वो आपकी हेल्प करेगा दोस्तों, हर वीडियो में आपकी हेल्प करेगा। उससे होगा क्या दोस्तों, कि आपकी जो आने वाली वीडियो है उसमें वो कीवर्ड का यूज कीजिए टैग के थ्रू, जैसे अपन टैग्स यूज करते हैं ना वीडियो के अंदर, वैसे ही वो कीवर्ड का यूज कीजिए। अब उससे होना क्या वाला है दोस्तों, कि अब मैं देख रहा हूं आपकी वीडियो थंबनेल सेव बटन इशू वाली, ठीक है, और आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी है और वो रियली मतलब आपकी वो ट्रिक फॉलो हो रही है, तो दोस्तों उससे क्या होगा, आपकी नीचे आपकी सजेशन में लेटेस्ट जो वीडियो है उसमें जिसमें आपने ये कीवर्ड यूज किया है वो वीडियो भी आपके साथ में शो करने लगेगा यूट्यूब, ठीक है। तो उस वो सर्च लिस्ट में आने लगेगी, फिर वो अगर आप ट्रिक अच्छी दे रहे हैं और लाइव ट्रिक है, मतलब आपका जो ट्रिक आपने दी है वो सक्सेसफुल हो रही है, मतलब काम कर रही है, तो वो आपकी वीडियो भी नेक्स्ट वीडियो भी देखेगा बंदा, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रिक अपनाइए, आप जो कीवर्ड मैं बता रहा हूँ वो कीवर्ड को हर वीडियो में यूज कीजिए, अगर यूट्यूब सर्च टर्म में आपको वो कीवर्ड दिख रहे हैं तो वो हर कीवर्ड को आप यूज कीजिए, हर वीडियो में आने वाली लेटेस्ट वीडियो में आप उस कीवर्ड का यूज कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो समझ लिए होंगे, मैंने आपको बहुत ही क्लियरली वे में समझा दिया है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके लाइव सब्सक्राइबर और व्यूअर्स दोनों तीनों चल बढ़ेंगे आपके, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही आप देखते रहिए मेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग, ठीक है, ऐसे ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ और अच्छा एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, ठीक है। और आपसे एक उम्मीद है कि आप
मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।